नमस्कार प्यारे साथियों, तो जबरदस्त तरीके से आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके प्यारे विशाल चुरिया सर की क्लास में। एक बार फिर से सोमवार शुरू हो चुका है और सोमवार के साथ ही बहुत सारे सवालों की सीरीज ले बच्चों ने जो अच्छे अच्छे आंसर उनका नाम जो है यूट्यूब सेशन में जरूर आता है। सबसे पहले बात करें रश्मि ठाकुर की, तो जो कल फोटो दिखाया गया था यूट्यूब सेशन एचपी जीके के एंड में, तो उनका नाम है वैद श्री सूरज सिंह। तो वैद श्री सूरज सिंह का जन्म जो है वो हब्बन सिरमौर में हुआ था 22 अक्टूबर 1918। वो एक आयुर्वेदाचार्य थे और इन्होंने नेशनल मूवमेंट ज्वाइन किया था फ्रीडम स्ट्रगल इन 1938। इसी के साथ पूजा हमीरपुर, रुद्रांश, ऋतिका और रणविजय जो है वो सही आंसर करते हैं। इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी के साथ। तो आई वाइज रेडी फॉर द सेशन से यस इन द कमेंट सेक्शन और शुरुआत करेंगे ताबड़तोड़ धमाकेदार तरीके के साथ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, उससे पहले आपने सेशन को लाइक करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। मोटिवेशन ये है कि रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, किसी के सामने जो है वो झुकना नहीं है। तो आप सभी ने अपना काम जो है वो प्रॉपर तरीके से निभाना है, कमेंट्स करते जाना है और दोस्तों का शेयर और लाइक करते जाना है। तो सेशन की शुरुआत बिना किसी के साथ। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कहता है अंग्रेजों ने भगवान को धन्यवाद के स्वरूप किस वर्ष शिमला में बिशप कॉटन स्कूल जो है वो खोला। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। 1959 में, 1914 में, 1890 या 1901 में, फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। बहुत सारे सवाल हैं आज, आज रुकने नहीं वाले हम, आज शुरुआत करेंगे, देखते हैं आज किसमें कितना कितना, आज जिसके अच्छे अच्छे सवाल के जवाब दिए उसका नाम जो है वो पिन जरूर किया जाएगा। सभी आंसर करेंगे यार, पिन करेंगे बहुत बढ़िया तरीके के साथ। सेशन की शुरुआत, समय समाप्त हो आपका। जो इसकी स्कूल की स्थापना जो 28 जुलाई 1859 को हुई थी, बिशप कॉटन स्कूल शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे पुराने बोर्डिंग स्कूलों में से एक है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल कहता है शिमला किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो बनी। शिमला किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी, 1786 1880, फटाफट से बताएंगे कोई कितना कमेंट सेक्शन जल्दी से। शिमला, ठीक है, तो पहले ये जो पंजाब जो एरिया था वो उसकी राजधानी मानी जाती थी और ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो 1864 में शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो घोषित किया गया था। आजादी के बाद शिमला पंजाब की राजधानी बन गई और बाद में 1966 में जब हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश ये सारे के सारे जब अलग हुए तब हिमाचल प्रदेश में 1966 में शिमला को राजधानी बनाया। बहुत बड़े तरीके, कहते चंबा किस नदी के दाएं किनारे पर स्थित है, फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। 10 सेकंड का समय आपके पास, 10 सवाल होने भी वाले हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। व्यास, रावी, सतलुज, चंद्र, भागा, फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। चंबा किस नदी के दाएं किनारे पर स्थित है, व्यास, रावी, सतलुज, चंद्र, भागा। समय समाप्त हो, ऑप्शन जो बी है राइट आंसर। बी क्या है, बी जो इसका राइट आंसर है, चंबा जो है वो पूरे भारत में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका एरिया जो है वो 6528 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर रावी नदी के किनारे अगर 966 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है चंबा पहाड़ी राजाओं की प्राचीन राजधानी चंबा को राजा साहिल वर्मन ने 920 ईस्वी में जो है वो स्थापित किया था। यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, यानी कि रावी नदी, रावी नदी जो है ये कांगड़ा से निकलती आगे। कहता देईकुंड कहां पर स्थित है, फटाफट से बताएंगे देईकुंड जो है ये कहां पर है। चंबा में है, शिमला में है, डलहौजी में, धर्मशाला, फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताएंगे क्विक के कमेंट सेक्शन, बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ, बेहतरीन, जबरदस्त। हरफन मोला खिलाड़ी है सारे के सारे, बहुत बढ़िया, सब लोग आंसर करेंगे, शाबाश। समय आपका समाप्त होता हुआ, तो ऑप्शन सी देईकुंड जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा यानी कि डलहौजी में स्थित है। चंबा के एरिया जो जानकारी हर डिस्ट्रिक्ट की याद होनी चाहिए, ऑप्शन डलहौजी इज द राइट आंसर। कहता सुकेत सत्याग्रह 18 फरवरी 1948 का नेतृत्व किसने किया था, फटाफट से बताएंगे करमचंद ठाकुर, पंडित पद्मदेव हरिदास या इनमें से कोई नहीं, फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। सुकेत सत्याग्रह जो है उसका नेतृत्व जो है वो किसने किया था, सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। समय आपका समाप्त हुआ, तो ऑप्शन बी पंडित पद्मदेव जो है इसका इसका राइट आंसर होगा। तो सुकेत सत्याग्रह 18 फरवरी 1948 को ईस्वी में शुरू किया गया था, इसका नेतृत्व जो है पंडित पद्मदेव ने किया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पंडित पद्मदेव। कहता रोहतांग दर्रा किस जिले में स्थित है, फटाफट से चंबा, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति। रोहतांग पास, वेयर इज रोहतांग पास, चंबा, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति।
रोहतांग पास की बात करी जाए तो यहां से पास से व्यास नदी का उद्गम स्रोत भी यहीं पर से है। और अगर मैं बात करूं ब्यास नदी कहां से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है, ब्यास कुंड से, तो ऑप्शन कुल्लू इसका राइट आंसर है। कुल्लू से ही निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी, और ये रोहतांग दर्रे के जो बिल्कुल नजदीक है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं हिमाचल प्रदेश का किस स्थान पर महिला पॉलिटेक्निक संस्थान है, जल्दी से बताएंगे कोई किन कमेंट सेक्शन। सोलन में है, शिमला, कंडा घाट, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर महिला पॉलिटेक्निक संस्थान है, जल्दी से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन कमेंट सेक्शन। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर महिला पॉलिटेक्निक स्थान है, जल्दी से। समय आपका समाप्त, ऑप्शन सी कंडा घाट में है, तो कंडा घाट जो है राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज संस्थान जो है वो कंडा घाट की स्थापना 1984 यानी कि 1984 में हुई थी। वर्तमान में जो है इनकी प्रिंसिपल का नाम कुछ और होगा यहां पर, ठीक है, यहां पर करेक्शन करनी पड़ेगी, इनकी प्रिंसिपल का नाम जो है वो कुछ और होगा। तो आप बताएंगे छावेश कमेंट सेक्शन की राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थान की प्रिंसिपल का क्या नाम है, इसका आंसर बता देंगे नीचे कमेंट सेक्शन। कहता है प्रथम विश्व युद्ध के समय कांगड़ा के किस राजा की सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उसे महाराज सेक्शन, जयचंद, गरुणचंद, रतनचंद, हरिचंद, फटाफट से बताएंगे। समय आपका समाप्त हो, तो जयचंद इसका राइट आंसर। जयचंद कन्नौज साम्राज्य के राजा थे, वो गहरवार राठौर राजवंश से थे जिन्हें अब गहरवार राजवंश से भी जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय कांगड़ा के शासक जयचंद को सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने महाराज की उपाधि दी थी, ऑप्शन जो है वो जयचंद इसका राइट आंसर है, जबरदस्त तरीके के साथ। आगे बढ़ते हैं, चलिए, कहता है बगलानी बोली हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है, बगलानी बोली हिमाचल प्रदेश में किस क्षेत्र में बोली जाती है, सोलन, नालागढ़, अर्की, कुनिहार, धर्मपुर, कुमारहट्टी या बद्दी बरोटी वाला, फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बगलानी बोली जो है हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है, फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि आज होने वाली है महाभारत महायुद्ध 10 सवाल के बाद बताएंगे कि आपके कितने सवाल जो है बने। जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए क्योंकि आज हम बताएंगे कि कैसे जो एचपी जीके और बाकी के एग्जाम जो है वो किस तरह से आप कवर कर सकते हैं। समय आपका समाप्त हो, बगलानी बोली हिमाचल प्रदेश जो रियासत है कुनिहार और अर्की क्षेत्र में जो है बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी एग्जाम। कहता बाबा कांशीराम को पहाड़ी बुलबुल किसने कहा था, फटाफट से बताएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरोजनी नायडू ने, महात्मा गांधी, वाई एस परमा, फटाफट से। बाबा कांशीराम को पहाड़ी बुलबुल यानी कि पहले टैग दिए जाते थे और टैग जो है ये बाबा कांशीराम जी को पहाड़ी बुलबुल का टैग किसने दिया, फटाफट से बताएं। समय आपका समाप्त हो, सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर है। तो कांशीराम जी की कविता गीत सुनकर सरोजनी नायडू ने बुलबुले पहाड़ कहकर बुलाती थी, ठीक है। तो ये जो सरोजनी नायडू है ये भारत में कौन सा स्थान रखती है, ये किस वर्ष में, विस्तार से बताइए, फटाफट से बताएंगे, किस लिए ये जानी जाती है, जल्दी से बताएंगे। 10 सवाल आपके हो गए, जैसे 20 सवाल होंगे आपने बताना कि 20 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, जल्दी से बताएंगे कोई कितने कमेंट सेक्शन। यस यस यस, एक्सीलेंट। समय समाप्त हुआ, कहते हैं निम्न में से कौन सी प्राकृतिक झील नहीं है, रेणुका, रिवालसर, पंडो या खजियार, फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया तरीके से, शाबाश। कहते हैं कौन निम्न में से कौन सी प्राकृतिक झील नहीं है, रेणुका, रिवालसर, पंडो, खजियार, फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ, जल्दी से। समय आपका समाप्त हुआ, रेणुका जो है वो सिरमौर में है, ये नेचुरल लेक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, ठीक है। रिवालसर लेक जो है ये भी नेचुरल है, पद्म संभव से संबंधित रखती है, 8वीं शताब्दी उन्होंने पद्म संभव जी ने यहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। पंडो जो है और खजियार जो है ये चंबा में है, खजियार की अगर बात करें, पंडो जो है यहां पर पंडो ब्यास नदी पर बना हुआ है, ये एक डैम है, यहां पर एक जैसे बोलते हैं कि अप्राकृतिक झील जो है बनाएंगे, ठीक है। तो 1977 में बनकर ये तैयार हुआ था, ठीक है। तो खजियार जो है वो चंबा सभी प्राकृतिक झीले हैं, ये सारा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं चंबा रियासत का संस्थापक कौन था, साहिल वर्मन, आदित्य वर्मन, विजय वर्मन, मेरू वर्मन, फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। चंबा रियासत का संस्थापक कौन था, साहिल वर्मन, आदित्य वर्मन, विजय वर्मन, मेरू वर्मन, फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन द कमेंट सेक्शन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जल्दी से बताएं। समय आपका समाप्त हो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मेरू वर्मन इसका सही उत्तर होगा। चंबा रियासत की स्थापना भरमौर के शक्तिशाली राजा मेरू वर्मन ने 680 ईस्वी में की थी।
मेरु वर्मन ने कुल्लू के शासक दत्तेश्वर पाल को हराया था। मेरु वर्मन ने भरमौर में मणिमहेश मंदिर, लक्षरा मंदिर, गणेश मंदिर और शतराड़ी में शक्ति देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। गुगा शिल्पी मेरु वर्मन का प्रसिद्ध जो सही उत्तर होगा, ठीक है। कहता कांगड़ा कुल्लू व लाहौल स्पीति डैश ईस्वी सन में अंग्रेजों के अधीन हुए। 1850, 1860, 1846, 1854 फटाफट से बताएं। कांगड़ा कुल्लू एवं लाहौल स्पीति डैश सन में अंग्रेजों के अधीन हुए, फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से, जल्दी से। समय आपका समाप्त, ऑप्शन सी 1846 इज द राइट आंसर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1846 ईस्वी में अगर बात की जाए तो सतलुज राज्यों को समाप्ति के बाद एंग्लो सिख युद्ध के परिणाम स्वरूप स्पीति भाग को कब्जे में कर लिया। इससे पहले उसने जम्मू और कश्मीर की एक सहायक नदी कंपनी लद्दाख का एक हिस्सा जो है वो बना लिया। ऑप्शन सी 1846 इसका राइट आंसर। कहता कौन सी खड हमीरपुर जिले में नहीं बहती है, फटाफट से। कौन सी खड जो है वो हमीर बेकर सुकर मुड़कर सीर, फटाफट से। कौन सी खड हमीरपुर जिले में नहीं बहती है, जल्दी से बताएंगे कोई कितना कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, समय आपका समाप्त। ऑप्शन डी सीर खड जो है वो हमीरपुर में नहीं बहती है। सीर खड सतलुज की सहायक नदियों में से एक है। इसके अलावा अली, गमरोला, सीर खड, स्वाम, रोपा, काशंग, स्पीति, भाबा, बासपा, इमला खड, विमला खड भी सतलुज की सहायक नदियों में शामिल है। ऑप्शन डी सीर इज द राइट आंसर, सीर इज द राइट आंसर। तो हमीरपुर का एरिया अगर बात की जाए 1118 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है, यही इसका मेन फैक्ट है। और बहुत सारे बोर्ड इंस्टीट्यूट यहां पर स्थापित है। अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं मंडी के शिवरात्रि मेला की शुरुआत जो है वो किसने की, राजा बाहुसेन, राजा बाणसेन, राजा अजबर सेन या गोल्ड स्टीन, फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। ये जो फोटो ओवर दिख रहा है आपको, आप सभी के सामने अगर बात करी जाए, यहां पर देवताओं का फोटो आपको दिख रहा होगा, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर देवताओं का फोटो जो है वो आपको दिख रहा होगा यहां जैसे, ठीक है। यहां पर देवताओं, ये देवताओं का है, ये सारे के सारे देवता है। 1930 का फोटो है, 1930 का जो शिवरात्रि मेला यहां पर लगा हुआ है, मंडी का शिवरात्रि मेला, इसकी शुरुआत किसने की थी, फटाफट से बताएं। समय आपका समाप्त हुआ, तो ऑप्शन सी राजा अजबर सेन। महाशिवरात्रि का यह उत्सव 1526 ईस्वी से राजा अजबर सेन के शासनकाल में मंडी की स्थापना के समय हुआ था। उन्होंने नई नगर की स्थापना के लिए स्थानीय देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। उसी के बाद जो है वो शिवरात्रि मेला की शुरुआत हुई थी। इसी के साथ जो ये फोटो है 1930 में लिया गया था ये फोटो। कहता हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 जिलों का समूह कहलाती है, गड़ासुरू, नाको, लामा, रेणुका, फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ, जबरदस्त कमेंट सेक्शन, जबरदस्त ताबड़तोड़ सेशन को आपने लाइक करना है, क्योंकि 20वें सवाल पे आपने बताना है कि कब आपके कितने जो है वो आंसर कंप्लीट हुए हैं, फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन एचपी जीके के सवाल जो है वो आपके सामने मौजूद है। समय आपका समाप्त, ऑप्शन सी जो है वो लामा इज द राइट आंसर, लामा डल लेक जो इज द राइट आंसर। ये झील भरमौर उपमंडल में है, समुद्र तल से 3640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये झील है लामा डल जी, 7 झीलों का समूह है। कहते हैं 1527 ईस्वी में भूतनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, 1527 ईस्वी में भूतनाथ, मंडी में भूतनाथ मंदिर का निर्माण श्याम सेन, अजब सेन, भूमि सेन, गोविंद सेन। आपके सामने मंडी का जो भूतनाथ मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है, इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था, फटाफट से बताएं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। आपके सामने भूतनाथ मंदिर जी की प्रतिमा दिखती हुई, समय समाप्त। ऑप्शन जो बी है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भूतनाथ पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। तो 1527 में राजा अजवर सेन ने करवाया था, भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। उस काल में बनवाएगा जब राज्य की राजधानी जो है को मंडी से ब्यूली में स्थानांतरित कर दिया गया था। समाप्त हुआ, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का सवाल, 20वें सवाल पे आपने बताना है कि आपके कितने जवाब दिए। कहता मिंजर मेला कहां होता है, तो बहुत ही आसान से सवाल, मिंजर मेला जो है वो चंबा में होता है। अदर डिटेल की बात करी तो मिंजर मेला जो है वो आप लोगों का जो मिंजर मेला है, तो अगर मैं बात करूं तो मिंजर मेला 935 ईस्वी में त्रिगर्त जो अब कांगड़ा के नाम से जाना जाता है वहां के शासक पर चंबा के राजा की विजय के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी मनाया जाता है। 935 ईस्वी में, याद रखने वाला डेटा है, 935 ईस्वी में जो त्रिगर्त जिसका महाभारत में भी जिक्र आता है, वहां के जो राजा थे
चंबा के राजा की विजय के उपलक्ष्य में चंबा में, ये चंबा घाटी में मनाया जाता है, चंबा में जो हिमाचल प्रदेश चंबा जिसका एरिया 6528 स्क्वायर किलोमीटर है, आपको याद हो जाएगा बार बार बोल के, 935 ईस्वी में विजय हुई थी, उसके बाद ये मेला मनाया जाता है, मिंजर मेला चंबा में होता है। आगे बोलते हैं, कहते हैं शिवालिक क्षेत्र में निम्नलिखित जिले कौन सा जिला स्थित है, किन्नौर, चंबा, लाहौल, ऊना। शिवालिक क्षेत्र में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला स्थित है, किन्नौर, चंबा, लाहौल, ऊना। फटाफट से बताएं, जल्दी से, समय आपका समाप्त हो, ऑप्शन डी ऊना इसका राइट आंसर है। तो ऊना जो है वो बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा एटसेट्रा डिस्ट्रिक्ट सा लगता है, पंजाब के साथ लगता है, यहाँ पे हरोली जो ऊना मेन है, बंगाना, अंब और घनारी ये इसके एरियाज हैं। इसका एरिया जो है वो टोटल 1540 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश का ऊना पूर्णतः शिवालिक श्रेणी में स्थित है, शिवालिक श्रेणी हिमाचल प्रदेश की दक्षिणी सबसे नवीन, ये पर्वत श्रेणी भारत के सिक्किम राज्य में तिस्सा नदी के पश्चिम पश्चिम उत्तर की ओर स्थित। ऑप्शन डी ऊना इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं बिलासपुर के किस राजा ने सरहिंद के वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म अपनाया, बिलासपुर के किस राजा ने सरहिंद के वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म अपनाया था, फटाफट से। जल्दी से बताएंगे कोई के कमेंट सेक्शन। तो ये आपके सामने जो चित्र दिख रहा है, ये चित्र जो है वो ग्रुप फोटो है बिलासपुर के कहलूर रियासत के राजाओं का, कहलूर रियासत के राजाओं का, ठीक है। यहां पर क्या है, बिलासपुर जो प्रिंसली स्टेट थी वहां पर ये उस रियासत का जे फोटो है, बहुत ही बढ़िया, बहुत सारा ग्रुप फोटो जैसे फैमिली फोटो लगा लो। पीछे सेना खड़ी है, इनके पीछे सेना खड़ी है, आगे राजा और अन्य गण जो इनके हैं वो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो कौन थे बिलासपुर के किस राजा ने सरहिंद के वायसराय में आकर के इस्लाम धर्म अपनाया था, ऑप्शन ए ज्ञानचंद इसका राइट आंसर है। तो ज्ञानचंद इसका राइट आंसर है। ज्ञानचंद की अगर मैं बात करूं, 1570 ईस्वी में ज्ञानचंद के शासनकाल में कहलूर रियासत मुगलों के अधीन आ गई थी। ज्ञानचंद अकबर का समकालीन राजा था। ज्ञानचंद ने सरहिंद के मुगल वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म अपना लिया था। ज्ञानचंद का मकबरा आज भी किराटपुर पंजाब में देखा जा सकता है। ज्ञानचंद के तीन बेटे में से दो राम और भीम इस्लाम धर्म, जबकि बीक चंद ने हिंदू धर्म को जो है अपनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ज्ञानचंद इसका राइट आंसर है। तो आगे बढ़ते, कहता निम्नलिखित में से कुलूत रियासत की प्राचीनतम राजधानी कहां पर, निम्नलिखित में से कुलूत रियासत की प्राचीनतम राजधानी कहां पर, नगर, कुल्लू, सुल्तानपुर, कालसी। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त हो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नगर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो कुल्लूत की रियासत की राजधानी जो प्राचीनतम थी वो नगर में से थी, नगर राइट आंसर। कहते सोलन जिले के किस स्थान पर जिप्सम धातु पाई जाती है, कुठार, नालागढ़, अर्की, कसौली। फटाफट से, सोलन जिले के किस स्थान पर जिप्सम धातु पाई जाती है, सोलन को सिटी ऑफ मशरूम, सिटी ऑफ सोलन गोला, ठीक है, यानी कि रेड गोल्ड, ठीक है, रेड गोल्ड भी बोला जाता है। तो सोलन में जिप्सम की धातु पाई जाती है, कहां पाई जाती है, फटाफट से बताएं, जल्दी से कमेंट किया करो यार, सेशन को लाइक तो कर दो यार और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। आगे बढ़ते, क्योंकि डेली आपके लिए वीडियो जो है वो डालती रहे। समय समाप्त, ऑप्शन जो है इज राइट, कुठार रियासत इज राइट। सोलन जिले के कुठार नामक स्थान पर जिप्सम की धातु पाई जाती है। कुठार गांव हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की सोलन तहसील में स्थित है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी के साथ, कहते गिरियसेन ने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करते समय पहाड़ी भाषाओं को तीन भागों में बांटा है, उसने हिमाचली पहाड़ी भाषा को किस भाग में डाल दिया, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, उत्तरी पहाड़ी। फटाफट से बताएंगे कोई कितना कमेंट सेक्शन। गिरिसेन ने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करते समय पहाड़ी भाषा को तीन भागों में बांटा है, उसने हिमाचली पहाड़ी भाषा को किस भाग में डाला है, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, उत्तरी पहाड़ी। समय आपका समाप्त, ऑप्शन सी जो है पश्चिमी पहाड़ी इज द राइट आंसर।
प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान जो है डॉक्टर जे ए गिरसेन ने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करते समय पहाड़ी भाषाओं को पूर्वी और मध्य पश्चिम में बांटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन सी पर्वतश्रृंखला सिरमौर को शिमला से अलग करती है? बहुत बढ़िया, कौन सी पर्वत श्रृंखला सिरमौर को शिमला से अलग करती है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, चूड़ चांदनी इज राइट आंसर। चूड़ चांदनी पर्वत श्रृंखला सिरमौर को शिमला से अलग करती है। इस पर्वत श्रृंखला की चोटी जो है 3647 मीटर की ऊंचाई पर है। ऑप्शन ए चूड़ चांदनी इसका सही उत्तर है। जबरदस्त तरीके के साथ इन द कमेंट सेक्शन। कहते हैं शिकारी देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, मंडी। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। देखिए 25 सवाल हो चुके हैं, 25 ही और रहते हैं, 25 ही सवाल और रहते हैं, हम जल्दी से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी सुनाए, समय समाप्त हो, समय आपका समाप्त होता हो, समय आपका समाप्त होता हो। ऑप्शन जो है मंडी इसका राइट आंसर। मंडी शिकारी देवी जो है वो जंजारी मंडी से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, 18 किलोमीटर की दूरी पर ये आपके सामने दिखता हुआ, ठीक है, ये जो मंदिर दिखता हुआ हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में 3359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 18 किलोमीटर जो है मंडी से दूर है, इज राइट आंसर शिकारी देवी। तो अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी क्लासेस अगर ज्वाइन करने पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग और करंट अफेयर्स जो है वो शुरू हो जाएंगे। आज आपको फाइल जो है मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर मैं बताते होते कि सारी क्लासेस जो है 49 रुपीज में आपको लाइव और रिकॉर्डेड पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारी क्लासेस आपको 49 रुपीज में मिलेंगी। या आपका QR कोड है ऊपर, व्हाट्सएप जो है नंबर दिया है, इस पर आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप पॉलिटी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके के साथ। कहता 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का जनगणत्व सर्वाधिक है? हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा। फटाफट से बताएंगे। कहता 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का जनगणत्व सबसे अधिक है? हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा। फटाफट से बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है हमीरपुर इज राइट आंसर। हमीरपुर इसका राइट आंसर है। तो हमीरपुर में ही सबसे ज्यादा जो है वो जनगणत्व है। कहता गुरु घंटाल गोम्पा जो है वो कहां पर है? लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू। फटाफट से बताएंगे। गुरु घंटाल गोम्पा जल्दी से बताएंगे क्योंकि समय नहीं है। जल्दी से करेंगे। समय आपका समाप्त हो। ऑप्शन है गुरु घंटाल मठ की स्थापना पदम संभव जी ने 8वीं शताब्दी में की थी। इसपे गंडोल मठ भी कहा जाता है, किलोंग से 8 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो लाहौल जिले में स्थित यह मठ सबसे प्राचीन और पवित्र धर्म का स्थान है। मठ में बनी लकड़ी की मूर्तियां मठ के प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लाहौल इज राइट आंसर। कहता है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लियोपोर्जिल, शिला, मूल किला या गेफेंग। फटाफट से जल्दी से बताएंगे। समय समाप्त हुआ। तो लियोपोर्जिल जो है उसका राइट आंसर नहीं है, शिला इसका राइट आंसर है। 7026 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये, ठीक है, इज राइट आंसर ऑप्शन बी 7026 मीटर। शिला चोटी जो है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बड़ी चोटी है। बहुत सारे लोग जो है वो लियोपोर्जिल का नाम लेते हैं, परंतु नहीं, शिला इसका राइट आंसर। कहता है रोरिक का पैतृक जन्म स्थान जो है वो कौन सा देश है? इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत संघ या जापान। फटाफट से बताएंगे। कहता है रोरिक का पैतृक जन्म स्थान, ठीक है, निकोलस रोरिक, इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत संघ, जापान। फटाफट से बताएंगे। समय आपका समाप्त। ऑप्शन सी सोवियत संघ इसका सही उत्तर है। जबरदस्त तरीके से। कहता है गुलेर का वह कौन सा शासक था जिसने शाहजहां ने शेर अफगान का नाम दिया था? तेज सिंह, विक्रम सिंह, राज सिंह, मान सिंह। जबरदस्त तरीके के साथ बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। एक्सलेंट। गुलेर का वह कौन सा शासक था जिसने शाहजहां ने शेर अफगान का नाम दिया था? समय आपका समाप्त हुआ। तो ऑप्शन डी मान सिंह इसका राइट आंसर है। बहुत ही सही उत्तर दिया है आप सभी ने, बहुत ही 30 सवालों का सही उत्तर दिया। अभी 20 सवाल और, जल्दी से करूंगा, बिल्कुल धमाकेदार तरीके से करेंगे, जबरदस्त तरीके से करेंगे, क्योंकि अब रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। 30 है बारी, क्योंकि एक हिमाचली सब पे बारी। आगे बढ़ते हैं। कहता है 31वां सवाल, इसके बाद 19 सवाल और रह जाएंगे, लास्ट सवाल का आंसर आपने करना है। कल के YouTube सेशन में भी आपका नाम आ सकता है, तो आप जल्दी से बताएंगे कि 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाला गोरखा, ठीक है, गोरखा दल जो था इसका कमांडर कौन था? भक्ति थापा, अमर सिंह थापा, राम सिंह, गुरंग या तेज बहादुर। फटाफट से बताएंगे। कोई बहुत बढ़िया, HPG के ऐसे याद हो जाएगा जैसे मानो आपने जबरदस्त तरीके से, आपको ये यहां पर MCQ सीरीज जो है वो लाई जाएगी इसी तरह से, आपको HPG के कराई जाए।
समय समाप्त तो ऑप्शन अमर सिंह थापा इज राइट आंसर। एंगल नेपाल युद्ध के समय जो है नेपाली सेना का सेनापति था। बड़ी वीरता के साथ जनरल अख्तर लोनी के नेतृत्व में लड़ने वाली अंग्रेज सेना का मालोन के किले की रक्षा 15 मई 1815 तक की, जब उसे बाध्य होकर किला छोड़ना पड़ा। इसके कुछ ही महीने बाद 1815 की संगोली की संधि के दौरान यह युद्ध समाप्त हो गया था। ऑप्शन बी अमर सिंह थापा इज राइट आंसर। कहता हिमाचल प्रदेश के प्राचीन अभिलेख किस एक लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए? शारदा, ब्राह्मी, इंडो ग्रीक, नागरी। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। हिमाचल प्रदेश में नए अभिलेख किस एक लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए? जल्दी से बताएंगे सोचा। क्विक इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया, जल्दी से करेंगे शाबाश, बिल्कुल भी समय विलंब ना करते हुए। समय आपका समाप्त हो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश में नए प्राचीन अब इंडो ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, शारदा, ब्राह्मी, नागरी में किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है गुज्जर किसके वंशज माने जाते हैं? गुज्जर जो है किसके वंश? आर्यों के, हूनों के, मुगलों के, गुग्गा पीर के? फटाफट से बताएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हूनों के माने जाते हैं। प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार गुज्जर मध्य एशिया के कॉकेशस क्षेत्र में जो आर्मेनिया और जॉर्जिया से आए थे, इनके आर्यों से जो है वो अलग थे। आगे बढ़ते हैं। कहता है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1970, 1975, 1975, 1975? फटाफट से बताएंगे, जल्दी से, 10 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से बताएंगे। क्विक कैन कमेंट सेक्शन। ठीक है, देखिए मस्ती खोरी करिए, सब कुछ करिए, पढ़िए भी साथ ही साथ में, और डेली यूट्यूब सेशन पे आपने पहुंच जाना है 8:30 के करीब करीब इसी यूट्यूब चैनल पर, खजूरिया सर जेबीजीपी क्लासेस पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी 1971 इज राइट आंसर। 8 अप्रैल 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है इसका जो एचपी पीएससी के नाम से जो है वो जाना जाता, एक सरकारी एजेंसी जो कि खत्म कर दी गई। ठीक है, नहीं सॉरी, एचपी पीएससी, हिमाचल प्रदेश एचपीएसएससी खत्म किया गया है। ये हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग है। ठीक है, तो ये नहीं खत्म किया गया। 8 अप्रैल 1971 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये आपके पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं। कहते हैं हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का प्रवाह जो है वो कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? 110 किलोमीटर, 115, 122 या 135? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया तरीके के साथ, ताबड़तोड़ तरीके के साथ सेशन को लाइक कर दिए। अभी 15 सवाल आते हैं, तो 15 सवाल तक धमाकेदार तरीका तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार यस बोल दीजिए इन द कमेंट सेक्शन, बिना किसी संकोच के गिरते पड़ते उठते हुए एक बार फिर से उठेंगे, क्योंकि हमें इस बार सरकारी नौकरी जो है वो जरूर लेनी है। समय आपका समाप्त हो। ऑप्शन सी 122 किलोमीटर जो है इसका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का प्रवाह जो है वो 122 किलोमीटर है। मंडी के किस मेले के लिए प्रसिद्ध दशहरा जो है वो लगता है? मंडी किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? दशहरा, लोहड़ी, जागरण, शिवरात्रि। तो अभी आपको हाल ही में बताया गया कि सन 1500 के आसपास ईस्वी में शिवरात्रि का मेला जो है वो शुरू किया गया था, और मंडी का शिवरात्रि मेला जो है इसका राइट आंसर है। कि आगे बढ़ते, तिब्बत में मानसरोवर से प्रारंभ होकर किन्नौर जिले में शिपकी में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है वह कौन सी नदी है? व्यास, यमुना, सतलुज, रावी। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। मानसरोवर से प्रारंभ होकर किन्नौर जिले में शिपकी में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है वह कौन सी नदी है? फटाफट से बताएंगे शवश इन द कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलती, परंतु ये तिब्बत से इसका उद्गम स्रोत है। ठीक है, तो जो है दक्षिण से निकलती है कैलाश पर्वत के, और हिमाचल प्रदेश में किन्नौर में प्रवेश करती है। कहता प्राचीन मेनाक पर्वत को अब क्या कहा जाता है? दोलाधार, जांसकर, शिवालिक या पीर पंजाल? फटाफट से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कोई कहना कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, समय आपका समाप्त। ऑप्शन सी शिवालिक इज राइट आंसर। शिवालिक, प्राचीन मेनाक पर्वत को वर्तमान में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में कब हुई? 1998, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2000? फटाफट समय आपका समाप्त। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1999, 2000। चंबा राज्य का अंतिम राजा कौन था? जल्दी से बताएंगे। आई थिंक लाइट हैज गॉन, एक मिनट का वेट करिए, लाइट का इंतजाम करते हैं। ठीक है, चंबा राज्य का अंतिम राजा जो है वो कौन था? भूरी सिंह, श्याम सिंह, राम सिंह, लक्ष्मण सिंह?
समय आपका समाप्त हो। राजा लक्ष्मण सिंह को 1935 में चंबा का अंतिम राजा बनाया गया। चंबा रियासत 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बन गई। आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रदेश में शिवालिक घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जल्दी से बताएंगे। पथरीली चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुआ मिट्टी, पर्वत मिट्टी क्षेत्र, फटाफट से। तो समय आपका समाप्त हो। ऑप्शन सी शिवालिक पर्वत जो है इज द राइट आंसर, बलुआ बताएंगे। चलिए, कहता है कांगड़ा किला माना जाता है, ठीक है, कांगड़ा किला माना जाता है, नगर कोट, भीम कोट दोनों, इनमें से कोई भी। समय समाप्त हुआ, ये दोनों माने जाते हैं, नगर कोट और भीम कोट इज द राइट आंसर। कहते क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश भारत में कौन से स्थान पर 18वें, 4थे, 24वें, 10वें, फटाफट से बताइए। 10 सेकंड का समय, मात्र 10 सेकंड का समय। समय आपका समाप्त हो। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर, 18वें स्थान पर माना जाता है। कहते हैं विद्युत प्राप्त करने वाला विश्व का उच्चतम गांव किब्बर किस जिले में है, शिमला, किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल। किब्बर गांव को दुनिया का सबसे ऊंचा गांव माना जाता है। अगर बात करें समुद्र तल से 4850 मीटर की ऊंचाई पर बसा गांव हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में। कहता है भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान वायसराय लॉज जिसको कहते हैं, यह भवन किस पहाड़ी पर स्थित है, डिंगू पहाड़ी, ऑब्जर्वेटरी पहाड़ी, चार्विक पहाड़ी या स्नो लाइन पहाड़ी, फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन द कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त हो। ऑप्शन बी ऑब्जर्वेटरी पहाड़ी इसका राइट आंसर है। कहते हैं नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोधी का समकालीन था, भक्तपाल, भीलपाल, नागपाल, पृथ्वीपाल, फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोधी का समकालीन था, तो समय आपका समाप्त हो। ऑप्शन बी जो है भीलपाल इसका सही उत्तर है। तो नूरपुर का शासक भीलपाल सिकंदर लोधी का समकालीन था। कहते हैं दून और स्प्रून घाटी कौन से जिले में है, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन, किन्नौर, फटाफट से बताएं। कहते हैं दून और स्प्रून घाटी किस जिले में है, समय आपका समाप्त हो। ऑप्शन सी सोलन इसका राइट आंसर है। दून घाटी, ये घाटी नालागढ़ तहसील में है इसका राइट आंसर। कहता कुल्लू जिले का मलाना गांव किस बात के लिए प्रसिद्ध है, खनिज भंडार, महादेव मंदिर, संसार का प्राचीनतम लोकतंत्र और चांदी भंडार, फटाफट से बताएंगे। तो बहुत जामलू देवता जो है वहां की सुरक्षा करते हैं और संसार का। रंगनाथ मंदिर कहां पर स्थित है, नया कांगड़ा, नदौन में, पुरानी मंडी, पुराना बिलासपुर। रंगनाथ मंदिर जो है वो कहां पर है, रंगनाथ, वेयर इज रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ मंदिर कहां पर है। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन जो है डी पुराना बाकड़ा बांध निर्माण के दौरान पुराना बिलासपुर शहर जलमग्न हो गया था। हालांकि शहर तो नए सिरे से बसाया गया लेकिन भगवान रंगनाथ का मंदिर सहित अन्य जलमग्न हुए मंदिरों की कलाकृतियां वैसे की वैसी आज भी पड़ी हुई हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। नलवाड़ी मेले की मुख्य विशेषता क्या थी, इसका आंसर आप बताएंगे नीचे इन द कमेंट सेक्शन। तो आपने बताना इसका आंसर जबरदस्त तरीके के साथ, तो कल आपका नाम जो है वो यूट्यूब में जरूर आएगा। ये आपके सामने चित्र दिखता हुआ आपने बताना है कि फेमस पर्सनालिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में इनका क्या जिक्र है, आपने इनका बताना है कि ये कौन सी फेमस पर्सनालिटी है हिमाचल प्रदेश की। तो अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और 49 रुपीज में क्लासेस का मजा ले सकते हैं। और इसी तरह से जो बच्चों की क्लासेस थी, जो बच्चों ने क्लासेस जो है वो ली हुई हैं, और इसी के साथ आप भी नज़ारे ले सकते हैं, ऐसे आपका नाम जरूर आएगा। और इसी के साथ सेशन की एंड करते हैं। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।